जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार ने जूट की MSP 2022-23 के लिए 250 रुपये बढ़ाकर 4750 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में 2022-23 के लिए जूट के MSP बढ़ाए जाने को मंजूरी दी गई है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह मंजूरी दी गई है। आधिकारिक बयान के अनुसार 2022-23 के सीजन के लिए जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 रुपये बढ़ाकर 4750 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह उत्पादन की अखिल भारतीय भारांश औसत लागत पर 60.53% लाभ सुनिश्चित करेगा। भारतीय जूट निगम मूल्य समर्थन को लेकर केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में अपना काम करता रहेगा। इस तरह के संचालन में किसी प्रकार का नुकसान होने पर केंद्र सरकार उसकी पूरी भरपाई करेगी। पटसन यानी जूट के लिए तय MSP बजट 2018-19 में घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारांश औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना MSP तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है। बयान के अनुसार यह न्यूनतम 50% लाभ का आश्वासन देता है। यह जूट उत्पादकों को पारिश्रमिक का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है। मार्केट टाइम्स टीवी, आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।